सो तो आप तेलंगाना को एटीएम नया एटीएम बोल रहे हैं जो तेलंगाना पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा तो पांच महीने पहले वहां कांग्रेस गवर्नमेंट आया था कांग्रेस को और एक लाइफ लाइन आया था तेलंगाना के हिसाब से देखा तो अभी आपका नजरिए से देखा तो कैसा है तेलंगाना पॉलिटिक्स आप कैसे देखते हैं देखिए एक वहां करप्शन का रैकेट है चाहे बी हो कांग्रेस हो वो एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं मिले हुए लोग हैं अब लीख करके जितने भी स्कैम है उसमें बी का नाम आता है दिल्ली सरकार भी जिसमें फंसी हुई है पंजाब सरकार के सामने भी तलवार लटक रही है सब में बी आर एस है अब ये लोग कांग्रेस के अलायंस में हैं मतलब बीआरएस भी उन्हीं के कट्टे बट्टे में है तो तेलंगाना के अंदर और ये डबल आर टैक्स ट्रिपल आर फिल्म तेलंगाना तेलुगु फिल्म दुनिया में फेमस हो गई अब ये डबल आर टैक्स आया है डबल आर टैक्स और तबाह कर देगा सो so, रेवंत रेड्डी बहुत सारे करप्शन कर रहे हैं आपका हिसाब आप से देखा तो वहां पर कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जा रही कि जिसमें कट कमीशन ना हो so, सो तेलंगाना पॉलिटिक्स में आपका पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा देख सकते हैं पहली बात है लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में जो देख रहा हूं मैं इसको राज्यों की राजनीति से काफ़ी ऊपर उठ चुका है ये लोकसभा का चुनाव राज्यों की राजनीति से काफ़ी ऊपर उठ चुका है और ये मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूँ और ये मैंने 2014 में भी देखा 2019 में भी देखा और जो शुरू में आपने सवाल पूछा था इसमें का जवाब इसमें भी है ये 2014 और 2019 के चुनाव में थोड़ा बहुत भी राज्यों की स्थितियां सर छवि का असर रहता था उन्नीस में तो काफी कम हो गया था चौबीस में तो मैं देख रहा हूं कि देश का जनमन देश के लिए चुनाव देश के भविष्य के लिए चुनाव लोकसभा के लिए चुनाव प्रधानमंत्री कौन बने इसके लिए चुनाव इस पर केंद्रित है और जो इंडी अलायंस को तकलीफ हो रही है वो इसी बात पर हो रही है कि भाई पहले नाम तो बताओ आपका प्रधानमंत्री कौन किसको दे फिर वो कहते हैं कि चुनाव अब एक भी पार्टी 272 सीट नहीं लड़ रही है जी जब बीजेपी की सेवा कोई भी पार्टी 272 सीट न लड़ती हो तो जीतने का तो सवाल ही नहीं है जब 272 सीट नहीं लड़ रहे हो तो सरकार बनाने का प्रश्न नहीं उठता है जी कम से कम ढाई सीटों से ज़्यादा लड़ने की नौबत ही नहीं बची इनकी ये हाल हो गया 400 सीट बैठ लेकर के बैठे हुए किसी ज़माने में आज 272 सीट नहीं लड़ा पा रहे हैं और इसलिए फॉर्मूला ला रहे हैं कि वन ईयर वन पीएम अब मुझे बताइए कि मान लीजिए खेत है या तो 10-12 खेत किसान इकट्ठे होकर उनके खेत है और 10-12 किसान तय करें कि भाई अपने पानी के लिए ट्यूबवेल करना होगा और कोई जानकार व्यक्ति बनाए बताएं कि अगर आप 100 मीटर यहाँ खुदाई करेंगे तो आपको पानी मिलेगा और आपके सब खेतों के लिए पानी 100 मीटर तक जाना पड़ेगा अब ये बुद्धिमान ये सोचे कि भाई 100 मीटर जाना है तो मेरे खेत में 10 मीटर करो दूसरा कहेगा मेरे खेत में 10 मीटर करो तीसरा कहेगा मेरे देश अगर ये सभी खेत वाले कहेंगे मेरे यहाँ दस दस मीटर करो तो पानी निकलेगा क्या पानी तो एक जगह पर सौ मीटर करोगे तब निकलेगा जी अब ये ये एक ये, ये एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनाने जाएंगे जी देश का भला नहीं हो सकता है जी इन्होंने इन्होंने देश के इतने बड़े महत्वपूर्ण चुनाव को लोकतंत्र के इतने बड़े महत्वपूर्ण चुनाव को ऐसा एक भाषणबाजी का खेल बना दिया झूठ बोलने का खेल बना दिया जी आर नॉन सीरियस वो सत्ता के लिए सीरियस है देश के लिए सीरियस नहीं है हम देश के लिए सीरियस हैं इतना बड़ा फर्क है जी के सी आर ने बार बार बोल रहे हैं कि रिसेंटली बार बार बोल रहे हैं कि जो कोलेशन गवर्नमेंट माई कोलेशन गवर्नमेंट में आऊंगा बाई एनी चांस जो के सी आर और बी आर एस को आपका जो एन डी ए में हिस्सा ले सकते ये क्यों बोलना पड़ रहा है उनको ऐसा झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है इन्होंने असेंबली के पहले भी ऐसा ही कहा था हमारे मैंने पब्लिकली वहाँ मीटिंग में कहा था कि हैदराबाद के म्यूनसिपलिटी के चुनावों के बाद स्वयं के मेरे पास आए थे एन में आने के लिए और मैंने साफ कहा था कि अब हम ऐसे कॉरपोरेशन में आपके साथ नहीं रह सकते हैं हम विपक्ष में रहेंगे और हम विपक्ष में चुनाव लड़ेंगे तो उस दिन ही वो समय फिर उन्होंने तय किया कि बीजेपी को नहीं आने देना है जो जहिराबाद मीटिंग में आपने बोला था बीआरएस एंड कांग्रेस दो, दोनों मिल के चल रहे हैं दोनों एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं जी दोनों गाली बीजेपी को दे रहे हैं आप देख लीजिए दोनों बीजेपी को गाली दे रहे हैं जो तेलंगाना और का... एक दूसरे को कवर कर रहे हैं वो लोग कवर फायरिंग चल रहा है <laughs> जो तेलंगाना का सीएम जो रेवंत रेड्डी आपको बड़े भाई मानते हैदराबाद मीटिंग में आपको बड़े भाई से पुकारा अभी जो तेलंगाना का जो आपका छोटा भाई वो उसका गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या राय? है देखिए पहली बात है अगर करप्शन में मेडल मिलते तो कांग्रेस को गोल्ड मेडल मिलता तो बीआरएस को सिल्वर मेडल मिलता लेकिन दोनों को वो रनरअप भी है एक दूसरे के दूसरी बात है कि उन्होंने अगर मुझे बड़ा भाई कहा तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ लेकिन अगर सचमुच में वो ये बड़ा छोटे का भाव है तो मेरे से कुछ सीखे ईमानदारी से सरकार चलाई जा सकती है ईमानदारी से देश की सेवा की जा सकती है मुझे आज पच्चीस साल हो जाएंगे जी हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते इस देश में सबसे लंबे समय तक काम करने का मुझे मौका है सीएम अकेले सीएम के नाते नहीं लेकिन सीएम टोटल मिला दें तो इस देश में सबसे लंबे समय तक मुझे सेवा करने का मौका मिला और एक भी दाग नहीं लगता है दाग लगाने की कोशिश होना अलग चीज है नहीं लगता है तो सीखो ना भाई अगर आप अपने आप को छोटा भाई मैं आपको तब कहूँ ना कि आप सीओ मुझे बड़ा भाई आप कहते रहे तो इतनी बात थोड़ी बनती है तो मेरा पुण्य आप कमाने के लिए बड़ा भाई बड़ा भाई कहते ऐसा नहीं चलेगा और <laughs> जनता तो पुण्य तब देगी जब आप भी कुछ पुण्य करो कंगड़ा बहुत ही चर्चे में आ रहा है ठीक है जो तेलंगाना के बहुत सारे लोग और जो वोटर्स हैं ना आपका गारंटी के लिए वेट कर रहे हैं कुछ बोल सकते हैं उसको बीजेपी की तरफ से आपके तरफ से कुछ गारंटी मैं दे रहा हूं ना जैसे मैं कहता हूं तीन करोड़ घर बनाऊंगा तो उसमें तेलंगाना के लोग भी होंगे मैं कहता हूं कि देश पीएम सूर्य घर योजना बिजली का बिल जीरो करने की दिशा में काम करूंगा मतलब योजना के लाभार्थी तेलंगाना में भी होंगे मैं कहता हूँ नल से जल तो तेलंगाना में भी नल से जल उनको परिवारों को मिलेगा मैं कहता हूँ मुफ्त राशन तो तेलंगाना के लोगों को भी मिलेगा मैं कहता हूँ सत्तर साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को इलाज की जिम्मेवारी मोदी की तो तेलंगाना के सत्तर साल के ऊपर के लोगों को मिलेगा तो गारंटी सबके लिए है जी अब ये इतना करप्शन के बारे में बोल रहे थे डिफरेंट स्टेट पे भी बंगाल का इतना करप्शन अभी Twice, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे आप देखिए नोटों के ढेर लोगों ने देखे हैं ये लोग कितनी गालियां दे दे, दे बीजेपी को भाई ये दुरुपयोग करते हैं दुरुपयोग करते है। नोटों की गड्डियां देख रही उसका क्या कहोगे भाई देश ने कभी भी मशीन थक जाए साहब नोट गिनने वाले बैंक में भी नोट गिनते हैं मशीन लेकिन थकते नहीं है ये चोरों के पैसे गिनने में थक जाते हैं अब देश मोदी पर प्रश्न नहीं करेगा ये चिल्लाए कितना ही चिल्लाए क्योंकि आंखों के सामने गद्दी के नीचे से निकलती नोटे दिख रही हैं गाराज में से निकलती नोटे निकल रही है कब्बोर्ड भरे पड़े नोटे निकल रही है अफसरों जेल में पड़े हुए हैं तो सबको लगता है यार ये ड्रग माफिया ये आर्म्स माफिया तो देश को नफरत है और मोदी है जो पूरी ताकत से लगा हुआ है सो वाइब्रेंट स्टेट आंध्र प्रदेश के बारे में एक बार बात करेंगे आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में आप गठबंधन किया था चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी से जो चंद्रबाबू नायडू तेलगू देशम पार्टी टू थाउजेंड नाइनटीन को आपसे छोड़ के बाहर चला गए आप क्यों टीडीपी के साथ गठबंधन किया था इसका फायदा कुछ आ सकते हैं क्या देखते हैं उसका फायदा पहली बात है कि गठबंधन को चुनावी राजनीति तक सीमित मत रखी भारत जैसे देश में जहाँ अनेक विविधताएं हैं तो हमारी फिलोसॉफी क्या है हम मानते हैं कि देश में जो रीजनल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं उसको संपूर्णपणे सम्मान मिले उनका स्वागत हो उनको सहकार हो वैसा नेशनल पॉलिटिक्स होना चाहिए और उसके लिए एक मेन स्ट्रीम नेशनल भले पॉलिटिकल पार्टी हो कितनी ही बड़ी क्यों न हो लेकिन उसने रीजनल एस्पिरेशंस को इक्वल ही तवज्जो देना चाहिए और इसलिए कोई हमारे साथ हो या न हो हम रीजनल पॉलिटिक्स को एस्पिरेशंस को उतना ही वैल्यू देते हैं क्योंकि इतना बड़ा देश चलाना है तभी चल सकता है हमारे पास पूर्ण बहुमत होने के बाद भी टीडीपी हमारे साथ सरकार में थी हमारे पास पूर्ण बहुमत के बावजूद भी शिवसेना हमारे साथ सरकार में थी तो रीजनल एस्पिरेशन्स को महत्व देना ही हमारा मुद्दा है जो रीजनल पोलिटिकल पार्टी होती है उनका स्वाभाविक लड़ाई स्टेट में होती है तो वो अपने स्टेट के हिसाब से सोचते हैं और वो अपनी रणनीति स्टेट के हिसाब से बनाते हैं हम सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं कोई जुड़ करके चलता है कोई दूर रह करके चलता है लेकिन हम हर राज्य का भला चाहते हैं हम कांग्रेस की तरह अहंकार नहीं कर सकते कि हम अकेले चलेंगे कहीं मध्य प्रदेश या कहीं तो, तो भी मीटिंग की थी उन्होंने तो उन्होंने ये तय किया था कि हम किसी से बात नहीं करेंगे किसी से हम, हम अकेले चलेंगे आज उनकी स्थिति है किसी राज्य में एक एम हो तो इतनी बड़ी पार्टी वो आज आकर के समझौता लिए उसके साथ मीटिंग करती है ये हाल है इनका है। जो रीजनल आ, स्टेट्स का एस्परेशंस आप मान रहे हैं जो अभी जो गठबंधन हुआ था ना बीजेपी जनसेना तेलगुदेश गठबंधन से फायदा हो सकता है फायदा हुआ तो क्या फायदा पहली है? बात है राजनीतिक फायदा नफा के लिए हम गठबंधन करना हमारी फिलोसफी नहीं है प्रैक्टिकल तौर में जहाँ जरूरत पड़ी हम करते हैं लेकिन मूल फिलोसॉफी हम सबका मान सम्मान बने हम रीजनल एक्सपीरेशन के प्रति हमारा एक मूल तब मैं मानता हूँ देश ऐसे ही चलेगा और चलना चाहिए जहाँ तक इलेक्टोरल का सवाल है हमने अभी एक मैं गया था आंध्र में और एक बड़ी रैली की थी उसे चंद्रबाबू भी थे पवन कल्याण भी थे और मैं मानता हूँ कि बहुत सालों के बाद आंध्र में ऐसी अनप्रेसिडेंटेड रैली हुई थी तो उसी दिन मुझे बिल्कुल साफ फीलिंग आ रहा था कि यहाँ के मतदाताओं के मन में लोकसभा के लिए एक मजबूत सरकार बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है उनके मन में और परिवर्तन का मूड दिखता है स्टेट में उनका तो वो वहाँ का मतदाता दो हिस्सों में बटा हुआ है एक राज्य में सरकार को रखना कि निकालना दिल्ली में सरकार को मजबूत करना तो कितना कैसे कर रहा ऐसा उसकी मुझे मतदाताओं का मेरा एनालिसिस है